ये अचीवमेंट है कांग्रेस की कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी के दौरे के देखने बाद भाजपा ने समझा कि उनकी साख खत्म हो गई। उसका फ्यूचर यही है क्योंकि युवा ने 7 साल से बुकार लगाते हुए बीजेपी की सरकार से बोलते रहे कि हमें एम्प्लॉयमेंट दो, हमें रोजगार दो। नौजवान थे, जितनी क्वालिफिकेशन थी, ड्राइवर था, कंडक्टर था, वो भी उसका बिल्कुल काम तमाम हो गया। आज इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट डे मनाया जा रहा है और पूरी तरह से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स हैं और उसके साथ साथ यूथ कांग्रेस के लीडर्स हैं उनके द्वारा ब्लैक रिबन्स लगाकर इस डे को मनाया जा रहा है। हमारे साथ इस समय रमन भल्ला, कांग्रेस के सीनियर लीडर, बातचीत में मौजूद है। भल्ला साहब, अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह बढ़ रही है और आज नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे भी मनाया जा रहा है, कितना बड़ा कंसर्न ये बनता जा रहा है और जो नौजवान इस समय फ्रस्ट्रेशन के मोड में है, कितना बड़ा कंसर्न है? नौजवानों के साथ धोखा हुआ, आज तो सारी स्थिति साफ हो गई। जिन नौजवानों को गुमराह करके राजनीति सोटियां सेकते हुए ये लोग सत्ता पे पहुंचे, आज उसी ताकत का के जरिए नौजवानों का गला घोटा जा रहा है और कहीं पे भी रोजगार नहीं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, लोकल लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में यहाँ पे सरकारी भी नहीं, जो थी वो भी चले गई। प्राइवेट सेक्टर में जो इंडस्ट्री थी वो भी 40% से ज्यादा बंद हो गई। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो नौजवान थे, जितनी क्वालिफिकेशन थी, वो ड्राइवर था, कंडक्टर था, वो भी उसका बिल्कुल काम तमाम हो गया। जैसे वेयर हाउस वाले लोगों का हाल देख लिए, रिटेलर रिलायंस वाले के जो शोरूम खुल रहे हैं उससे इनके भी बुरी हालत यहाँ पे होगी। तो इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल हेड से भी झूठ बोला। पहले तो प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरियां देंगे झूठ बोल के, और वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन हेड सत्यपाल मलिक साहब, उन्होंने 50,000 नौकरियों को बोली। इन लोगों पे विश्वास करते थे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हेड थे। अगर वहां से भी कुछ नहीं मिला तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो नौकरी गया कहीं काम। रिसेंटली राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा भी रहा जम्मू कश्मीर का, और वैष्णो देवी वो गए, उसके बाद से एक सियासत जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू हो गई है, गंगा जल से वहां पर शुद्धि की जा रही है। तो क्या लग रहा है आपको कि अब सियासत के लिए ये कुछ भी, ये अचीवमेंट है कांग्रेस की कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी के दौरे के देखने बाद भाजपा ने समझा कि उनकी साख खत्म हो गई। इस ढंग की हरकतें यहाँ पे करते हैं। वो रिचेस्ट श्राइन है, वो हमेशा पवित्र है, हम जाके अपने पाप धुलवाते हैं, और मैं समझता हूँ वहाँ पे उन्होंने इस ढंग की हरकत करने से अपनी मानसिकता उजागर किया। बड़ा अच्छा होता कि जब तक से पठानकोट में ISI वाले को लाया था, उन लोगों को भाजपा के हुकूमत में वो लोग आए वहाँ पे छिड़काव करते, सदन में झूठ बोलने वाले कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई नहीं मरा वहाँ पे छिड़काव करते, और जन विरोधी नीतियाँ अपनाने वाले लोग जो है अपने वहाँ पे छिड़काव करते तो बहुत अच्छा होता। और मैं समझता हूँ इस दौरे में राहुल गांधी जी का कद बढ़ा है, पैदल चल के गए हैं, पैदल चल के वापस आए। भाजपा किसी एक आदमी का नाम बता दे, एक मंत्री का नाम, पहले भी 36 आए, अब भी 70 आ रहे हैं, कौन आदमी पैदल चल के गया है? इन लोगों को मैं समझता हूँ इनकी साख, जो धर्म की राजनीति करते थे राहुल गांधी जी ने, उनकी इस गेम में सेंध लगा दी है। आज लोग जाकर यहाँ पे हो गए और लोग अच्छे ढंग से अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करती, जब उससे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा जाए तो किनारा कशी करती हुई नजर आती है, क्या कहेंगे? भाजपा के ऑफिस के सामने CISF वाले कितना धरना, कितना प्रदर्शन किया, और उनकी पोल खुल के रह गई, उनकी बात सुनने के लिए भी लोग नहीं आ सकते। तो मैं समझता हूँ कि आज नौजवान यहाँ पे समझ चुका है, आने वाले दिनों में नौजवान एक ताकत यहाँ पे, इस ताकत का हमें एहसास है और हम नौजवानों के साथ। उदय जी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए जम्मू कश्मीर का, अगर CMIE का आंकड़ा देखें तो 13.6 है, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, परसेंटेज बढ़ती जा रही है, एक तो ये एक बड़ा कंसर्न है अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा जिस तरह आज भी आप यहाँ पर बैठ के जूते पॉलिश कर रहे हैं, क्या लगता है कि नेशन का जो अब युवा है जो अनएम्प्लॉयड है उसका फ्यूचर यही है? उसका फ्यूचर यही है क्योंकि युवा ने 7 साल से बुकार लगाते हुए बीजेपी की सरकार से बोलते रहे कि हमें एम्प्लॉयमेंट दो, हमें रोजगार दो, लेकिन बीजेपी के नेता, केंद्रीय मंत्री उनको एम्प्लॉयमेंट तो दिया नहीं, उनका मजाक उड़ाते हुए कि आप पकौड़े खुद बना लो, आप शूज पॉलिश कर लो, तो ये करके अपने जिम्मेदारी से भाग के। तो आज हम ये कहना चाहते हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी जिस तरह से आपने बोला 4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, आज 13% को पार कर चुका है, ये सिर्फ बीजेपी की गलत नीतियों के कारण है। बिना सोचे समझे इन्होंने नोटबंदी की, GST लगाया और जिस तरह से लॉकडाउन लगाया, उसके कारण भारत की जो इकोनॉमी है उसकी कमर टूट चुकी है, भारत इस हालत में नहीं है कि युवाओं को रोजगार मिले। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं,
भारत के युवाओं को कि ये सरकार कभी भी नौकरियां देने के लिए ये कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इनकी गलत पॉलिसीज हैं। इनको सिर्फ अडानी और अंबानी की फैमिली की फिक्र है, आम परिवार के जो लोग हैं उनकी कोई फिक्र नहीं है। इसलिए आप सेल्फ डिपेंडेंट रहिए, आपको अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, माता पिता का ध्यान रखना है, इसलिए आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। सवाल आपसे रहेगा, आपने डीमोनेटाइजेशन की बात की, जीएसटी की बात की, उसके इम्पैक्ट की बात की, हाल ही में एसेट मोनेटाइजेशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका क्या इम्पैक्ट आपको लगता है क्या आएगा? सबसे पहले एसेट ये क्यों बेच रहे हैं? ये इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, ये बेचना चाहते हैं। हमारे बुजुर्ग मेरे दादाजी कहा करते थे, एक अच्छी औलाद होती है एक बुरी औलाद। एक अच्छी औलाद वो होती है जो खानदान की प्रॉपर्टी को बढ़ाती है, एक बुरी औलाद वो होती है जो अपने खानदान में जितनी भी प्रॉपर्टी उसको बेच के अयाशी करती है। तो 70 साल से ये बोलते थे कांग्रेस ने क्या किया क्या किया, जिसको ये बेचने जा रहे हैं कांग्रेस ने वो किया। लेकिन भाजपा कह रही है कि बेच नहीं रहे हैं हम, लीज पे दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ये लाइन चेंज करने की जरूरत है कि इंडिया ऑन सेल के बजाय इंडिया ऑन लेकिन ये लीज में कितनी देर के लिए दे रहे हैं? 40 साल के लिए। 40 साल के लिए अगर आप भी अपना घर मुझे देंगे ना, तो मैं उसको अपना घर नहीं समझूंगा। अंत में मैं उसका जितना इस्तेमाल कर सकता हूं उसकी मेंटेनेंस नहीं करूंगा, क्योंकि अंत में वो मेरा नहीं, मैं टेम्परेरी हूं। ये जो हमारे देश की संपत्ति ये कुछ फैमिली वालों को अडानी अंबानी को दे रहे हैं, उनको भी पता है इससे जितना भी रस है जितना भी पैसा है उनको चूसना है, उसके बाद छोड़ देना है, क्योंकि ये टेम्परेरी उनके पास है। 40 साल ये हमारे देश की संपत्ति के साथ खेलेंगे फिर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर इंडियन यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे आज मनाया जा रहा है, ब्लैक रिबन्स के साथ आज इस दिन को मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा, कई सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो कमिंग 20 डेज तक, जो आने वाले 20 दिन हैं उसमें वो चलेंगे, और दूसरी तरफ कांग्रेस खुलकर इसका विरोध कर रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सुमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।